वेलकम टू मिसेस शेफ किचन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा 2.0। जी हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन जब लॉकडाउन 2.0 हो सकता है, रजनीकांत की फिल्म का टाइटल 2.0 हो सकता है, तो उपमा 2.0 भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी उपमा 2.0। तो सबसे पहले हम उपमा बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरी भुना हुआ रवा, नमक स्वादानुसार, हल्दी हाफ टी स्पून, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, एक कटा हुआ प्याज, दो बारीक कटी हुई मिर्ची। तो चलो, जब तक उपमा बनकर तैयार होगा, हम उपमा 2.0 के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उपमा 2.0 बनाने के लिए हमें चाहिए जीरा पाउडर, एक चम्मच शक्कर, थोड़ा बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टोमेटो, दही जिसमें हमने हरा धनिया मिक्स कर लिया है, टोमेटो प्यूरे, ये होममेड टोमेटो प्यूरे है, इसके जगह आप टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं, और बारीक सेब। दही में हमने थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी सी शक्कर डाल के अच्छे से घोल लेना है। उपमे को मैंने टिक्की शेप में सेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे हार्ट शेप या ट्रायंगल शेप में सेट कर सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर टोमेटो प्यूरे लगाना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, टोमेटो प्यूरे की जगह आप टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर जो है टोमेटो प्यूरे की रहेगी, सेकेंड लेयर आपको बारीक कटे हुए प्याज की डालनी है, और थर्ड लेयर बारीक कटा हुआ टोमेटो आपके इसके ऊपर डाल लेना है। उसके बाद जो दही जिसमें हमने शक्कर, जीरा पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर लिया था, वो दही आपको इस पर डाल लेना है। और सबसे लास्ट में, लास्ट लेयर जो है आपको बारीक सेब की इस पर डाल लेना है। तो ये लीजिए, हो गया तैयार हमारा उपमा 2.0। आप इसे उपमा चाट या उपमा टिक्की चाट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने बोरिंग से उपमे को डिलीशियस और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाइए। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।